Assalamualaikum students, hope all of you will be fine. This is Javed Zulfikar, your mathematics teacher for class 5. Today this lecture is about page 16, the remaining question of word problem. We'll try to finish this exercise today. So question number 6 is that sab log students apne samne book rakhe taaki aap logon ke liye easy ho jaye. Clear? So question number 6 is, during her trip Sara knits a scarf at the rate of 469 millimeter every day if her trip lasts 8 days. देखें एक दिन में उसने 469 मिलीमीटर उसको बनाया है. क्लियर है? उसको बुना है. उसके बाद अगर उसका ट्रिप 8 दिन रहता है तो तब वो कितना बनाएगी? ऑब्वियसली 2 दिन होगा तो फिर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, डबल हो जाएगा. 3 दिन होगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे. 8 डेज का ट्रिप अगर वो 8 दिन रहेगी तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन. क्लियर? सो यहाँ पर हमने 8 से मल्टीप्लाई कर देना है. 8 9 टाइम 72 टू 7 विल बी कैरी ओवर हियर. 8 6 टाइम 48 प्लस 7 48 प्लस 7 55 5 विल बी कैरी. 8 5 दा 32 8 4 दा 32 32 प्लस 5 37. सो दिस इज फॉर 8 डेज वो इतना मिलीमीटर जो है वो इसको बना लेती है, बुन लेती है. क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स? सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर. इफ अ प्रोजेक्ट नीड्स रुपीज 955,000 टू बी कंप्लीटेड, हाउ मच मनी विल बी नीडेड फॉर 100 सच अ प्रोडक्ट. देखें एक प्रोडक्ट के लिए सपोज जो है वो एक प्रोजेक्ट के लिए 1000 रुपीज रिक्वायर है. सो टू प्रोजेक्ट हो तो फिर कितने पैसे चाहिए होंगे, फिर कितने रुपीज चाहिए? ऑब्वियसली 2000. तीन होंगे तो उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 4 होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई यानी 4000. सो सेम इज द केस यहाँ पर भी है कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 955,000 रुपीज चाहिए. तो टू प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? आपको डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें. इसी तरह जब आपने 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें. जब आपने 100 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं ऑब्वियसली उसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ जाएगी, मनी आ जाएगी कि इतनी उसके लिए रिक्वायरमेंट है. क्लियर? सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. मनी फॉर वन प्रोजेक्ट जो है वो 955,000 है. क्लियर? सो मनी नीडेड फॉर 100 सच अ प्रोडक्ट. सो जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 10, 100 और 1000 जब इस तरह के नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 में कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं. वो इसके साथ 2 जीरोस मजीद आ जाते हैं. जस्ट ये इसमें फर्क आता है. जस्ट 100, 1000 और 10,000 इनकी मल्टीप्लीकेशन बहुत ही सिंपल होती है. अगर यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करते तो 1 जीरो आ जाना था. अगर यहाँ से 100 से किया तो 2 जीरो इसके साथ आ जाएंगे. क्लियर ऑल ऑफ यू? 95,500,000 आ जाएगा ये. क्लियर? आपको पता चल गया कि मल्टीप्लाई कब करना है. जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 8. अ पार्क कैन अकोमोडेट 50,000 पीपल. एक पार्क जो है वो इतने लोगों को एक वक्त में जो है उसके अंदर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं 50,000 पीपल. क्लियर? उस तरह की अगर मैं कहूं कि 2 पार्क बना दें तो फिर कितने हो जाएंगे? ऑब्वियसली आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 100,000 हो जाएंगे. क्लियर? सो 100,000 हो जाएंगे. इसी तरह जब आपको 3 पार्क उस तरह के बना दें तो फिर कितने लोग अकोमोडेट? तो उसको मल्टीप्लाई 3 कर दें, 5 हो तो फिर 5 कर दें. सेम इज द केस. सो ही इज टॉकिंग अबाउट इफ अ पार्क कैन अकोमोडेट 50,000 पीपल, हाउ मैनी पीपल कैन बी अकोमोडेटेड इन 10 सच पार्क. इस तरह के 10 जो है वो हमने पार्क 10 मजीद बनाने हैं तो कितने लोगों को अकोमोडेट कर सकेंगे? जस्ट टू मल्टीप्लाई बाय 10. सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 पार्क अकोमोडेट 50,000 पीपल. 10 पार्क अकोमोडेट कितने पीपल अभी हमने फाइंड करना है. सो आपने 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें. सो क्या होगा? जिस तरह हमने 100 से किया तो 2 जीरो आ गए,
10 से करेंगे तो 10 मजीद आ जाएगा, बट आपने इसको इंटरनेशनली राइट करना है 33 के डिजिट के साथ, क्लियर। सो ये आ जाएगा 500,000 पीपल फॉर 10 पार्क, क्लियर। 10 पार्क 500,000 पीपल को अकोमोडेट कर सकेगा, क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर, इफ रुपीज 294,850 आर डोनेटेड टू वेलफेयर ट्रस्ट इन वन मंथ, एक माह में हमने जो है वो इतने वेलफेयर ट्रस्ट को दे दिए, कितने दे दिए 294,850। अगेन 294,850 रुपीज आपने एक वेलफेयर ट्रस्ट को एक मंथ के लिए दे दिए, और अगर मैं कहूं कि आपने इतने पैसे दो मंथ के लिए दिए तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे। अगर ये कहा जाए कि इतने ही रुपीज आपने इतनी ही मनी 3 मंथ के लिए दिए, 3 बार दिए, तो फिर आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने 6 टाइम दिए, 6 मंथ के लिए दिए, तो फिर आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे क्या कहता है, हाउ मच विल बी डिपॉजिट इन 42 मंथ, 42 मंथ्स के लिए कितने रुपीज देंगे अगर आप ईच मंथ जो है वो 294,850 रुपीज आप डोनेट करते हैं। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, मनी डिपॉजिट फॉर 1 मंथ कितनी है 294,850, क्लियर। मनी डिपॉजिट फॉर 42 मंथ हमने फाइंड करना है, सो आप इसको 42 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये कैसे होगा, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट सबसे होगा 2 0 टाइम 0, 2 5 टाइम 10 0 1 विल बी कैरी, 2 8 टाइम 16 प्लस 1 17, 7 1 विल बी कैरी, 2 4 टाइम 8 प्लस 1 9, 2 9 टाइम 18 8 1 विल बी कैरी, 2 2 टाइम 4 प्लस 1 5, विल राइट 2 0 फॉर टेंस डिजिट बिकॉज 4 इज फॉर टेंस डिजिट, अब 4 में मल्टीप्लाई होना है, 4 0 टाइम 0, 4 5 टाइम 20 0, 2 विल बी कैरी, 4 8 टाइम 32 प्लस 2 34 4 3 विल बी कैरी, 4 4 टाइम 16 प्लस 3 19 9 1 विल बी कैरी, 4 9 टाइम 36 प्लस 1 37 7 3 विल बी कैरी, 4 2 टाइम 8 प्लस 3 11 विल कम, एट द एंड वी विल एड दम 0 0 7 9 प्लस 4 13, 3 and 1 will be carry, 9 plus 9 18 8, 1 will be carry, 6 plus 7 13, 3 1 will be carry, 2 this 1 as it is। आपने देखा students, मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि आपने इसको digit to digit write करना है ताकि ये simple हो और बड़ा ही वाजे हो और आपको भी समझ आए बाद में जब देखना हो। जी question number 10 है, a student pay rupees 123,000 एनुअली टू द स्कूल। एनुअली क्या होता है, एनुअल क्या होता है, सालाना, यानी एक ईयर के लिए, एक साल के लिए सालाना कितने पे करता है 123,000, क्लियर। सो हाउ मच डज ही पे मंथली, तो उसने मंथली कितना पे किया। सो पहले तो ये देखें ना कि एक साल में, एक ईयर में एनुअल जो है, एक एनुअल को लें तो उसमें कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। सो वन ईयर उसने जो है वो कितना पे किया 123,000, तो आपको पता है कि 1 ईयर 12 मंथ्स का होता है, 12 से डिवाइड कर देंगे उसको, यस। एनुअली पेमेंट ऑफ द स्टूडेंट कितनी है 123,000, हाउ मच डज ही पे मंथली, मंथली कितना पे किया उसने, हम 12 से डिवाइड कर देंगे। जी डिवीजन का मेथड देख लें, फर्स्ट 2 को कंबाइन करके चेक करें, यस इसके इक्वल है कर सकते हैं, अगर इससे लेस होता तो फिर हमें 3 को कंबाइन करना था, 12 1 टाइम 12, ये देखिए स्टूडेंट ये कट, ये 0 बचता है, राइट कर ले तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। सो फिर हमें एट अ टाइम 2 डिजिट नीचे उतारने पड़े, जब आप 2 डिजिट एट अ टाइम 2 डिजिट नीचे उतारेंगे तो आपको 0 राइट करना पड़ेगा, ओके। 12 2 टाइम 24, ये इसके करीब है, सो यहाँ से 6 आ जाएगा और 1 0 और लें, 12 5 टाइम 60 होता है, क्लियर। तो ये डालिए, 0 जो रह चुका है इसका क्या करेंगे, नीचे लाने का स्टूडेंट इसको कोई फायदा नहीं, तो फिर हम इसको ऊपर ही ले जाएंगे। सो ये इतने पे करेगा 10,250 रुपीज उसने जो है वो मंथली पे किए, अगर वो ईयरली 123,000 पे करता है तो।
उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ पर्सन हैज 25 शॉप्स, ईच वर्थ जो है वो 655,000 है, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज शॉप। तो आपने इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपको लेक्चर की समझ भी आई होगी कि हमने क्या करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से बोरिंग होते हैं, कोशिश की हमने कि इसको आपके लिए इजी किया जाए, बोरियत ना रहे। आप लोगों ने इसकी एक से दो बार प्रैक्टिस करनी है, बस ये पता लगाना है कि मल्टीप्लाई कब करना है और डिवाइड कब करना है। जब आप मेरा लेक्चर एक दो बार मजीद सुनेंगे तो आपको जो है वो सब क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, डाटा बनाना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी है वो भी करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।